लेक्चर नंबर ट्वेंटी फोर ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू कंपनसेशन अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम दट प्रोवाइड एन ऑप्टीम परफॉर्मेंस विदाउट एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट इज़ रेयर कोई भी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हो प्रॉपर एडजस्टमेंट करेंगे तो वो हमें ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देगा बहुत कम ऐसा है कि विदाउट एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट वी कैन अचीव दिमम परफॉर्मेंस ठीक है इन बिल्डिंग अ कंट्रोल सिस्टम वी नो दैट प्रॉपर मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लान डायनामिक्स मे बी अ सिंपल वे टू मीट द परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन आसान तरीका तो ये है कि जो प्लांट है जो सिस्टम है उसी में हम मॉडिफिकेशन कर लें और अपनी डिजायर्ड आउटपुट उससे अचीव कर लें यह तो आसान तरीका है लेकिन दिस हाउ एवर मे नॉट बी पॉसिबल इन मैनी प्रैक्टिकल सिचुएशन बिकॉज द प्लांट मे बी अ फिक्स एंड नॉट मॉडिफाइबल बहुत से केसेस में हमें ऐसे मिलता है कि प्लांट हमारे पास फिक्स्ड है सिस्टम फिक्स्ड है मोडिफाइबल नहीं है हम उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते तो जब ये केसेस हो कि सिस्टम हमारा फिक्स्ड हो हम उसमें मॉडिफिकेशन ना कर सकते हो तो उसको स्टेबिलिटी की तरफ कैसे लेके जाएंगे डिजायर्ड आउटपुट से हम कैसे अचीव करेंगे उसकी परफॉर्मेंस को हम कैसे इंप्रूव करेंगे तो इस केस के लिए हम देखते हैं कि देन वी मस्ट एडजस्ट पैरामीटर्स अदर देन दोज इन द फिक्स्ड प्लांट ठीक है तो फिर हम ऐसे पैरामीटर्स को एडजस्ट करेंगे जो कि फिक्स प्लांट के ना हो। एक्सटर्नली हम उस प्लांट के साथ ऐसा कोई नेटवर्क अटैच करेंगे ऐसी कोई चीज़ अटैच करेंगे जिसके पैरामीटर को अब हम अप डाउन करके अपने प्लांट के से हम डिज़ायर्ड आउटपुट अचीव कर सकें तो इस केस के लिए हम देखते हैं वी यूज द कम्पनसीटर्स अब कम्पनसीटर्स क्या हैं कम्पनसीटर इज़ एन एडिशनल कम्पोनेंट आर सर्किट दैट इज़ इंसर्टेड इन टू अ कंट्रोल सिस्टम टू इक्वलाइज़ और कंपनसेट फॉर आर डेफिशेंट परफॉर्मेंस जब परफॉर्मेंस में हमारे पास जो है कोई डेफिशेंसी आ रही हो उसको हम इम्प्रूव करना चाह रहे हों तो हम क्या करेंगे एक एडिशनल कंपोनेंट अपने कंट्रोल सिस्टम में डालेंगे कोई सर्किट होगा या कोई कंपोनेंट होगा तो वो क्या करेगा कंपनसेट करेगा उस चीज़ को जो कि डिफिशियंसी है हमारे पास हमारे कंट्रोल सिस्टम की उस डिफिशेंसी को वो इम्प्रूव करेगा तो ऐसा जो एक्सटर्नल कंपोनेंट है जो कि इस चीज़ को इक्वलाइज़ कर रहा है उसको हम कंपनसीटर कहेंगे अब ये कम्पनसीटर हमें क्यों ज़रूरत होती है इसको अगर हम देखें अ सिस्टम में भी अनसेटिसफैक्ट्री सिस्टम इन चीज़ों में जो यहाँ पे लिखी हुई हैं उसकी परफॉर्मेंस अनसेटिसफैक्ट्री हो सकती है स्टेबिलिटी में अनस्टेबल हो सकता है स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स उसका स्लो हो सकता है स्टेडी स्टेट एरर उसका ज़्यादा हो सकता है तो इन चीज़ों को अगर हम अब इम्प्रूव करना चाहें इन चीज़ों की इंप्रूवमेंट की तरफ जाना चाहें सिस्टम अगर अनस्टेबल है तो उसकी स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहें उसकी स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स को इनक्रीज़ करना चाहें स्टेडी स्टेट एरर को रिड्यूस करना चाहें तो इन केसेस में हमें कम्पनसीटर्स की ज़रूरत होती है और यहाँ पर हम कुछ कंपनसेशन करते हैं फिर अब ये कंपनसेटर्स जो हैं इनको अगर हम देखें कि कन्फिग्रेशन ये कैसे हम इंसर्ट करते हैं अपने कंट्रोल सिस्टम में तो वो देखते हैं कंपनसेशन स्कीम्स कॉमनली यूज फॉर अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आर सीरीज़ कंपनसेशन अब अगर सिस्टम है हमारे पास जी ऑफ एस तो हम कंपनसेटर यहाँ पे सीरीज़ में लगा सकते हैं इसके साथ इसी को हम आ, कह सकते हैं कि ये कंपनसेशन हमारे जो है तो कैस्केडिंग में है इसको कैस्केडिंग में भी कह सकते हैं यहाँ पे लगी हुई है तो ये क्या है हमारे पास सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन के साथ ये कम्पनसीटर जो है मिलके हमें यहाँ पे डिज़ायर्ड आउटपुट देता है तो इस कम्पनसीटर को हम इसके ट्रांसफ़र फंक्शन को यहाँ पे जी सी ऑफ एस से लिख सकते हैं जो दूसरा हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन इसकी आ रही है वो है पैरल कंपनसेशन जैसे हमने सीरीज़ में लगाया था इसी तरीके से हम इसको पैरल में भी लगा सकते हैं अगर ये जी टू ऑफ एस हमारे पास सिस्टम है तो इसके साथ जी सी ऑफ एस जो कंपनसेटर है वो हमारे पास पैरल में भी लग सकता है या हम ये सीरीज और पैरल दोनों कंबीशन भी लगा सकते हैं किसी भी नेटवर्क में ठीक है अब द चॉइस बिटवीन सीरीज कम्पनसेशन एंड पैरल कम्पनसेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ़ द सिग्नल्स ठीक है इन चीज़ों पर डिपेंडेड है ये द पावर लेवल ऑफ वेरियस पॉइंट्स या हमारे पास अवेलेबल कॉम्पोनेंट्स इसकी बेस पर हम ये डिसीजन ले सकते हैं या द डिज़ाइनर एक्सपीरियंस ठीक है ये वो चीज़ें हैं जिनकी बेस पर हम डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी कन्फिग्रेशन हम अपने सिस्टम में डालें या इकनॉमिक कंसनेशन ठीक है कि कौन सा हमें Uh, जो है uh, उसकी इकनॉमिक कंसिड्रेशन को अगर हम देखें कि कौन सा फिजिबल हमें पड़ रहा है सीरीज या पैरल तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे हम डिसीजन लेते हैं कि कौन सी कन्फिग्रेशन हम लगाएं। अब अगर हम देखें कंपनसेटर्स को इसकी टाइप्स को कि कौन कौन से कॉमनली हमारे पास यूज हो रहे हैं अमंग द मेनी काइंड ऑफ कम्पनसेटर वाइडली एम्प्लॉयड कंपनसेटर आर द लीड कम्पनसेटर लेग कंपनसेटर, लेग लीड कंपनसेटर, ये तीन ऐसे हैं जो कि कॉमनली हमारे पास यूज हो रहे होते हैं कौन कौन से लीड कंपनसेटर, लेग कंपनसेटर और लेग लीड कंपनसेटर इनकी डेफिनेशन देखते हैं वन बाई वन कि ये कौन से कंपनसेटर्स हैं अगर लीड कंपनसेटर को हम देखें इसको डिफ़ाइन करें, इफ अ आइडियल इनपुट इज़ अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ अ नेटवर्क एंड द स्टडी स्टेट आउटपुट विच इज़ आल्सो साइनस आइडियल हैज़ अ फेज लीड दैन द नेटवर्क इज़ कॉल्ड लीड नेटवर्क ठीक है सैनासोडियल इनपुट हमें सिस्टम को मिल रही है आउटपुट पे हमें जो है साइनासोडियल आउटपुट मिल रही है लेकिन चेंज आ रहा है फ़ेज़ में और वो फेज़ चेंज जो है वो लीड हो रहा हो तो इस केस में हम कहेंगे द नेटवर्क इज़ कॉल्ड द लीड नेटवर्क जहाँ पे फेज़ हमारे पास लीड में आ रहा है ठीक है ये हमारे पास लीड कंपनसेटर्स होते हैं फिर अगर हम लेग कम्पनसेटर्स की बात करें लेग कम्पनसेटर में क्या है इफ़ द स्टेडी स्टेट आउटपुट हैज़ अ फ़ेज़ लेग देन द नेटवर्क इज कार्ड लेग नेटवर्क ठीक है फेज़ में फिर चेंज आ रहा है जैसे हमने लीड कम्पनसीटर में कहा साइनासोडियल इनपुट आ रही है साइनासोडियल आउटपुट जा रही है लेकिन चेंज हो रहा है फ़ेज़ में और वो है लीड तो लेग में क्या हो रहा है उसी तरीके से सैनोसोडियल इनपुट है उसके लिए साइनासोडियल आउटपुट है चेंज फेज़ में आ रहा है लेकिन वो फेज़ यहाँ पे जो है लेग में चेंज आ रहा है तो हम कहेंगे कि फेज़ लेग है यहाँ पे आउटपुट हैज़ अ फेज़ लेग तो इस केस में हम कहेंगे कि नेटवर्क इज़ कॉल्ड लेग नेटवर्क ठीक है ये हमारे पास लेग कंपनसेटर की डेफिनेशन आ गई अब लेग लीड कंपनसेटर को देखते हैं इन अ लेग लीड नेटवर्क बोथ फेज़ लेग इन फेज लीड अगर इन आउटपुट बट इन डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रीजन ठीक है अब लेग लीड में हमारे पास जो है फेज लेग भी आ रहा है और इसमें हमारे पास फेज़ लीड भी आ रहा है लेकिन कहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रीजन्स में आ रहा है ये बात है ठीक है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रीजन्स में आ रहा है फेज़ लेक अकर्स इन लो फ्रीक्वेंसी रीजन एंड फेज़ लीड अकर इन हाई फ्रीक्वेंसी रीजन ठीक है फेज़ लेक कहाँ पे आता है इसमें लो फ्रीक्वेंसी रीजन्स में और फेज़ लीड कहाँ पे आ रहा है हाई फ्रीक्वेंसी रीजन्स में तो ऐसे कंपनसेटर्स को हम क्या कहेंगे लेग लीड कंपनसेटर कहेंगे इसमें फेज लेग भी है इसमें फेज लीड भी है लेकिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रीजनस पे तो ये वो हमारे पास कॉमनली यूज कंपनसेटर्स हैं जो कि हम अपने सर्किट्स में यूज़ करते हैं अब ये किन फॉर्म्स में हमारे पास यूज़ होते हैं लीड हो लेग हो या लेग लीड कंपनसेटर हो तो ये किस फॉर्म में हमारे पास यूज़ होते हैं इनको देखें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती हैं सचेज सर्किट यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स हो सकते हैं जो कि आरसी नेटवर्क्स हो सकते हैं या मैकेनिकल नेटवर्क्स हो सकते हैं जो कि हमने देखे थे स्प्रिंग मैस डैम्पर नेटवर्क्स तो ये आ, इन नेटवर्क की सूरत में हम अपने सर्किट्स में इनको इंसर्ट करते हैं और अपनी डिजायर्ड आउटपुट अपने प्लांट से अचीव करते हैं तो दैट्स ऑल ऑफ लेक्चर नंबर ट्वेंटी फोर